आगे ट्रेन जाएगा कि नहीं हम लोग को पता भी नहीं है। इतने धूप में हम लोग कार्डियो कर रहे हैं। खाना खा रही है, कहाँ फंस गई मैं, कुछ भी रॉन्ग डिसीजन ही लेते हैं ट्रेन के मामले में। ये देखो बाजू में ही ट्रेन है, हम लोग को जाने का बहुत मन कर रहा है। जाए क्या बोल, मैं रेडी हूँ। अरे यार धत्तेरे की। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा, हम लोग जा रहे थे कैंडीज़ कैफ़े जो कि बांद्रा वेस्ट में है। यहाँ पे मैं एंड मेरी बहन ओला या उबर करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिक्शाज ही अवेलेबल थी जो कि गिरा हमें 150 रुपीज़ में। हमारे राइड्स जो है वो कैंसिल ही हो रहे थे इसलिए हम लोग ने डायरेक्ट रिक्शा कर दिया। और जिस स्पीड से भाई साहब जो ये रिक्शा चला रहे थे, मुझे तो लगा कि हम लोग कैफ़े नहीं शायद डायरेक्ट ही ऊपर पहुंच जाएंगे, पर ठीक है उसकी वजह से हम लोग जल्दी पहुंच पाए क्योंकि कैफ़े भी ज़्यादा पास नहीं है, आप चल के नहीं जा सकते, आपको ऑटो ही करना पड़ेगा। सो ये रहा कैंडीज़ कैफ़े का बाहर का एंट्रेंस, दी फेमस कैंडीज़ कैफ़े। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ से हैं, मुंबई से हैं, तो आप लोगों ने इसको विज़िट किया होगा। अगर नहीं भी किया होगा तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पे अंदर क्या क्या देखा एंड क्या क्या ऑर्डर किया। तो अंदर जाते ही हुआ अनोखा धमाका, यहाँ का ऑर्डरिंग सिस्टम काफ़ी अलग है, आपको जाके खुद ऑर्डर करना है। जो भी खाने की चीज़ें सामने विजुअली डिस्प्ले किया गया है तो आपको जो भी पसंद है आप वो ऑर्डर कर सकते हैं, उसको पे करना है, फिर आप थोड़ी देर वेट भी कर सकते हैं। जब आपका खाना हो जाएगा रेडी तो आपको खुद उसको लेके आना है, इट्स काइंड ऑफ सेल्फ सर्विस। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी यूनिक है, हर जगह ऐसे हमें देखने नहीं मिलता है। यूजुअली जो है वेटर्स ही हमें आके सर्व करते हैं, सो इट वॉज़ फन एंड इंटरेस्टिंग। अभी मैं आपको बता देती हूँ सिटिंग एरिया, ये था ग्राउंड लेवल का एरिया, यहाँ पे एसी अवेलेबल था बट ये काफ़ी रेस्टोरेंट सा वाइब कॉमन सा हम लोग को दे रहा था, तो हम लोग ने सोचा कि आगे जाके एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये हमारा था फेवरेट स्पॉट, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ग्रीनरी था, एस्थेटिक एंड ओल्ड विंटेज वाइब्स दे रहा था और काफ़ी क्यूट यहाँ पे पिक्चर्स हमारे आए भी थे। तो आप लोग आना ना तो यहाँ पे ही बैठना, ओके। बट आप लोग धीरे धीरे आगे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हो, अलग अलग स्पॉट्स अवेलेबल है, अलग अलग बेंचेस, अलग टाइप के एस्थेटिक अवेलेबल है, आपके पसंदीदा स्पॉट पे आप बैठ के आराम से चिल करके अपना खाना एंजॉय कर सकते हो। डिसएडवांटेज मुझे यही लगा कि यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग समर टाइम में बैठे थे ओपन एरिया में तो काफ़ी गर्मी लग रही थी, एसी भी नहीं था। थैंक यू पर्सनल वेटर, ये हम हनी बीन रहते हैं तो वाह। Need someone in life who looks at you like this. क्या बोल रही थी भैया? It's fallen apart like that. Oh God.
चलो गाइस मैं आप लोगों को ऊपर का फ्लोर भी थोड़ा एक्सप्लोर करवा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था आप ऊपर भी बैठ सकते हो, जितना भी येलो रेलिंग का पार्ट है उसके पीछे भी बेंचेस अवेलेबल थी तो वहाँ पे भी लोग बैठे थे। सो इट्स लाइक अ वेरी ह्यूज एरिया, आप कहाँ पे भी जाके बैठ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ नीचे भी लोग बैठे थे आप देख सकते हो, एंड ऊपर भी यहाँ पे 2-3 बेंचेस अवेलेबल है, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो। तो मैं और मेरे सिस्टर ने लिटरली हर जगह बैठ के मज़े लिए हैं, बस एंजॉय किया है वो दिन। तो ये व्लॉग भी काफ़ी एस्थेटिक, कामिंग एंड सेटिस्फाइंग बने, जो वीडियोस भी एंड फोटोज हमारे आए थे वो भी काफ़ी अच्छा था। सो आई रियली लाइक्ड इट। अगर आपको ये वीडियो का एस्थेटिक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और तो और यहाँ पे एक शॉप भी अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। बट वी वर ऑलरेडी गेटिंग लेट, हम लोग को वापस से ट्रैवल करके घर भी जाना था, सो हम लोग ने इसको अवॉइड किया, हम लोग गए नहीं अंदर। बट आप लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके नीचे ह्यूमन कांटेक्ट ही नहीं चाहिए। कैसे डर गई। जस्ट समर थिंग्स।